हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीज ब्लॉग पे आपका स्वागत है। सो ऑल ऑफ यू गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। मेरे गुवाहाटी के लोगों और असम के लोगों को हैप्पी बिहू। सो कल मकर संक्रांति है। सो हम लोग अभी मछली का तड़का बनाने वाले हैं और पापा यहाँ पे बेबी को सुला रहे हैं। तो गाइस, आज मकर संक्रांति के पहले दिन की रात में हम लोग सब कुछ बनाते हैं, मतलब मछली का तड़का, गोंद के लड्डू और केतली पिठा, वो सब कुछ बनाते हैं हम लोग। चलो कुंडी लगा के मम्मी लोग क्या बना रहे देखने चलते हैं। जाते संक्रांति के पहले दिन ही हम लोग रात को सब कुछ बनाते हैं और अभी दीदी लोग क्या बनाते हैं देखते हैं। बेबू हमा मम्मी बना रही है रोटी का डो। चलो तो की गया था ये है कितना कोई था उधर ठीक है ना तो लोग मस्त है ना। बेबू इधर ओके डी कुरानी खोला था थी। बेबो अभी रात के कितने बज रहे हैं दिखाओ तो टाइम तो हमारे कितना बड़ी था टाइम तो वाला चलो दो अभी दिखाई भी नहीं दे रहा आधा रास्ता है। अभी रात के 12 बजने वाले हैं, टाइम 12 बजने वाला है और अभी हम रोटी बनाने वाले हैं और उसके बाद खाना मछली का दाल तो ख़त्म हो गया है, अभी सिर्फ बाकी है रोटी का डो। अच्छा ठीक है, मछली का कड़ी बना लिया, ख़त्म हो गया ना। आज हम लोग गैस में नहीं बनाएंगे, आज हम लोग जो ठंडे में आग लगा के बनाएंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है। पूरी छोले भटूरे ना करते ठंडी की मारी जुकाम भी हो गया। उफ ये ठंडी ఎలా అన్నది బట్టే అన్ని रोटी बन के ख़त्म भी नहीं हो रहा उफी है और नींद भी इतना ज़्यादा आ रहा है। कैमरामैन जल्दी फोटो खींचिए क्लिक क्लिक। बिहान लेने रुक गोलो नहीं कि नहीं रुक गोल ये है हमारी रांधुनी 24 आवर्स दमा इन्हें कोई मतलब परेशानी नहीं है खाना बनाते हुए। इतना
इतना ठंडे मेरे से रहा नहीं गया तो मैं सोने गई। और नेक्स्ट डे मकर संक्रांति के दिन, संक्रांति का दिन है सो घर को क्लीन भी नहीं किया। मम्मी किस तरफ करेगी, मतलब सब तरफ मम्मी को करना पड़ता है क्योंकि मैं झुक नहीं सकती। और आज मैंने जबरदस्ती काम करने के लिए मम्मी को बोला क्योंकि मम्मी अकेले कर नहीं पा रही है और दीदी भी दूसरे काम पर लगी हुई है। सो मुझे कर मतलब मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ क्योंकि बहुत काम है। और आज हम लोग के घर में पूरे घर को मतलब क्लीन करके शुद्धिकरण करते हैं और मतलब और हमारे मतलब अपो बोलते हैं हम लोग जो प्रणाम करने जाते हैं और हमारे घर के सभी देवताओं को हम लोग फल प्रसाद चढ़ाते हैं और भोग में लगाते हैं। गॉड से प्रे करते हैं कि हमारा पूरा साल अच्छा जाए। मैंने सोचा पुराने कर्टन्स को चेंज किया जाए और न्यू कर्टन्स लगाए जाए सो मैं वो लगा रही हूँ। ऊपर थोड़ा गए नेचर का हवा खाने और यह मम्मी ने लगाया है मस्टर्ड ग्रीन जो हमारे कल्चर में बोलते हैं लेओ। मम्मी ने जो मिट्टी नहीं है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सब्जी वगैरह लगाया है। ये है ग्रीन टी का पेड़। सुबह सुबह नेचर का हवा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह रॉकी और बेबो है कि इतने खुश होकर खेल रहे हैं। बेबो बेबो रॉकी पॉकी।
फिर नीचे आके ठीक करना शुरू किया। मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ दे दिया और मम्मी अभी पोछा लगा रही है। पोछा लगाने के बाद नहा धो के घर की शुद्धिकरण करके गंगाजल वगैरह मम्मी पूरे घर को छींटा मारेगी और उसके बाद भगवान जी का प्रसाद रेडी करेगी और उसके बाद मंदिर जाएगी। मम्मी जाने से पहले मैं दूसरे रूम को, बेबी सोया है वो वहाँ पे, सब कुछ मच्छरदानी वगैरह उठा के सब कुछ क्लीन करके रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से ही मम्मी जाएगी। ऑलमोस्ट अभी क्लीन होके ख़त्म होने वाला है। मेरा सो के उठना लेट हो जाता है क्योंकि बेबी रात को सोने नहीं देता और सुबह होते थोड़ा बहुत सोता है, तब भी मैं सो पाती हूँ, तो मैं लेट ही उठती हूँ रोज़। डिलीवरी के बाद 2 मंथ्स भी नहीं हुआ है सो मम्मी लोग सुबह जल्दी उठने भी नहीं देते और हवा भी लगने नहीं देते, सो मैं रोज़ लेट ही उठती हूँ क्योंकि ठंडा लगना नहीं चाहिए। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बेबी इतना सुसु करता है और सुसु करता है तो रात भर वो कपड़ा चेंज करना पड़ता है, गीला हो जाता है तो फिर वो सुखाना पड़ता है, तो सब साइड में हम लोग कपड़ा सुखा के रखते हैं। बेबी को डायपर वगैरह पहनाना डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया है, सो मैं बेबी को डायपर वगैरह नहीं पहनाती और कहीं पे चली जाऊँ तो फिर उस दिन ही पहनाती हूँ डायपर, बाकी घर पे मैं पहनाती ही नहीं हूँ।
काश मैं भी आप लोगों को ये स्मेल सुना सकती, क्योंकि बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। आई होप सो। अभी दीदी को डिस्टर्ब नहीं करते, बनाने दो और मैं उनको ठीक करके ख़त्म करती हूँ। ये सब बिखरा पड़ा है, ये सब ठीक करना पड़ेगा और बेड को भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मम्मी हमें मंदिर जा रहे हैं भगवान भगवान पे फल वगैरह चढ़ाने। यह सब मैंने ठीक करके ख़त्म कर दिया। अभी अभी हम लोग छोले भटूरे खाने वाले हैं और मम्मी अभी भगवान का प्रसाद लाएगी, उसके साथ हम लोग खाने वाले हैं। दीदी ने और भी आइटम्स वगैरह बनाया था, क्योंकि मैं क्लिक कर नहीं पाई तो आपको मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि बेबी रो रहा था तब। अच्छा लगता है। पापा कहाँ हैं? पापा अभी बेबी ने सुसु किया, सब कपड़े को चेंज कर रहा है। छोले भटूरे खाने वाले हैं और उसके साथ दीदी ने क्या बनाया वो मुझे समझ नहीं आ रहा। कितना तादाद है मुने? और ये सो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। टिल देन बाय बाय।